और अब अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं भारतीय छात्र संसद के इस मंच से जाने माने शिक्षाविद मायर्स एमआईटी के संस्थापक भारतीय छात्र संसद के प्रेरणा स्रोत वर्ल्ड पीस सेंटर के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डॉक्टर विश्वनाथ टी करार जी को आमंत्रित कर रही हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर विश्वनाथ करार। फ्रेंड्स, रियली आई डू नॉट फाइंड एडिक्वेट वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन फॉर द वेरी डिसेंसी डेकोरम एंड डिग्निटी विच यू मेंटेन through all these 3 days, during the conduct of these various almost 8 to 9 sessions, with a great enthusiasm and with some passion in and fire in your belly to contribute something for the nation building. Mother India ka naya roop duniya ke samne rakhne ka ek prayas. मैं धन्यवाद देता हूं आज के मेहमानों को, ऑनरेबल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब और दूसरे हमारे इस्लामिक होते हुए वेदों का जिनके मन में इतना बड़ा चिंतन है वो श्री एम, उनको एम के नाम से जाना जाता है। वर्णन नहीं करूंगा, आप जानकार है, लेकिन मेरे मन में ऐसे भाव आया, हमारे राहुल हो, अपटे हो, चिटनिस हो, मंगेश कराड़ हो और वो सारे साथियों ने जो प्रयास किया उसको आपने भाई के नाते से अच्छा समझकर सब कुछ मन में रखने की कोशिश की होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि अब 3 दिन के बाद आप वापस जाने के बाद यहाँ से जितने बड़े बड़े लोगों के भाषण हुए उनमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी एंड यू फेल्ट दैट यस दिस इज रियली वर्थ दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड गुड फॉर द वेलबींग ऑफ द नॉट इंडियन सोसाइटी अलोन बट द वेलबींग ऑफ द होल वर्ल्ड। मुझे मालूम है कि मैंने पहले शुरू के 2-4 मिनट के भाषण में भी कहा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बाकी साथियों को, मेरा ये कहना एक अपील करो, यंग होते हुए आपको रिक्वेस्ट करो, ये शब्द जरा इतने ठीक नहीं लगते उम्र के नाते, लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट है, फिर से बोलूँगा, फिर से याद दिलाऊंगा कि मैंने जो शुरू में बोला था, स्वामी विवेकानंद का जिक्र तो सारे वक्ताओं ने किया, नेल्सन मंडेला की बात मैंने कही, जो गांधी का रियल फॉलोअर 27 साल जेल में बिताने के बाद एक ऐसी शख्सियत जो गांधी का फॉलोअर है, जहां सामने गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के 2 स्टैचू रखे, वो मजे के लिए नहीं, ध्यान में रखो भाई कि दुनिया में कहीं भी जाओ भारत की पहचान सिर्फ 2 नाम में होती है, किसी नेता के नाम पे नहीं, किसी लीडर के नाम पे नहीं, सिर्फ दुनिया बोलती है ओ दैट ग्रेट कंट्री ऑफ महात्मा गांधी एंड गौतम बुद्धा, इनके नाम पे होता है। थोड़ा सोच लो, मेरी सिर्फ आपको गुजारिश है कि मैं ये चाहूंगा कि भारत का सच्चा स्वरूप जानने की कोशिश करो, गलत फहमी से जो भी हुआ लेकिन वी हैव फॉरगॉटन अवर द रियल कल्चर द ट्रेडिशन द वेरी फिलोसॉफी ऑफ व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। मुझे बहुत दुख लगता है, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पार्टिकल फिजिक्स, देन आईटी एंड कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सब बातों में जीवन भर चिंतन किया, सीखने का प्रयास हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल दिस साइंटिफिक इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इंडिया नॉट इंडिया बट द होल वर्ल्ड द ग्रेट साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन हैव कम टू सम कंक्लूजन्स एंड इट्स टाइम फॉर यू एंड मी फ्रेंड्स रिमेंबर टू प्रेजेंट टू द होल वर्ल्ड कम्युनिटी द ट्रू पिक्चर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड इंडियन ट्रेडिशंस। वेद व्यास से लेके मैं नाम ले रहा हूँ, मैं तो आध्यात्मिक बात तो बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कही, बहुत सुंदरता से ढंग से हुआ,
लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप जाकर, पहले बोलूंगा मैं भूल जाऊंगा शायद, कि अपनी माँ और पिता को मेरा प्रणाम बोल देना, एक बात है। कौन मिलता है किसी को, ये छात्र संसद बनी इसकी वजह हुई, और आप लोगों ने जो भारत का रियल पिक्चर जो है, मुझे बहुत ऐसे लगा कि भाई ये कैसे संभव होता है। आप लोग तीन दिन से मुझे पता नहीं कितने बजे खाना खाए, कितने बजे क्या चाय पिया पता नहीं, लेकिन आई वॉज हर्ट लिटिल बिट बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर विसलिंग इन बिटवीन। आई एम अ टीचर, आई मस्ट टेल यू दैट वी शुड प्रेजेंट अवर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विच यू डिड। आपने तो वो किया है, लेकिन अभी फिर से मैं एक दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा, शायद हो सके तो जीवन में। मैं तो एक देहात से आता हूं, गाय और बैल भैंस के तबेले में हमारी स्कूल होती थी, गोबर निकालने का, झाड़ू मारने का, और फटे हुए गन्ने की बोरी उस पर डाल के स्कूल शुरू होता था। और देखो बात ऐसी है कि वो होने के बाद शाम को जब गाय और बैल भैंसे आती है खेती से, तो उनके गले में जो बेल होती है वही हमारे स्कूल की बेल होती थी। हमको स्कूल को बेल होता है मालूम भी नहीं था। कौन दिखाया रास्ता, कैसे बना है ये सारा? मुझे बहुत लोगों ने, सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोल रहे थे कि आप भाई इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा काम, लेकिन मालूम नहीं हम लोगों को। मैं बोला सर पता नहीं है कैसे क्या होता है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन लेट मी टेल यू ऑनेस्टली फ्रेंड्स दैट दिस वेरी फोटोग्राफ्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा हैव बीन पुट अप हियर दैट यू शुड कैरी सम मैसेज फ्रॉम हिज लाइफ। और जिस दिन मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को कभी परचेस नहीं किया हो, तो मैं हमारी संस्था के बाद में इसे भेज दूंगा आपको, लेकिन कभी तो पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जो बात हुई विज्ञान और अध्यात्म की, द रोल ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑब्लिक टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ये सब का रोल क्या है, और दूसरी बात है द एसेंस एंड फिलोसॉफी ऑफ ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स। ये तुम्हारी धरती है भारत माँ, मदर इंडिया, जिस देश में सारे धर्मों के लोग बहुत आनंद से एक साथ रहते हैं, लेकिन मुझे हिंदुओं का, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन, जो भी नाम लो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेरे ऑफिस में आओगे तो मैं 30-40 साल से ये सब जानने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज द एसेंस एंड फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स। रिलीजन के बारे में एक ध्यान में रखना भाई, द वेस्टर्न वर्ल्ड, आई थिंक सुब्रमण्यम स्वामी और somebody said, अमेरिका का जन्म तो 500 साल का है भाई, छोटा नहीं मानना उनको, बहुत बड़ा काम किए, अमीरी हुई। इंग्लैंड का 18 वो स्टीम इंजन आ गया और बड़े बन गए। ये कहने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर ये जो भी हुआ, इन लोगों की अभी सोशल सिस्टम इज एट द रुइन। ध्यान में रखो, सब कुछ है। आई हैव ट्रेवल अक्रॉस द होल वर्ल्ड, attended and heard the topmost scientists, scholars, thinkers and philosophers of the world. Americans are more worried about their social structure. बहुत दुख की बात है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शायद आनंद या सुख जिसको बोलते हैं, आनंद जिसे बोलते हैं, सच्चित आनंद की बात होती है, इसकी खोज में शायद the whole world is looking to India. तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1893 की बात, उसमें सब तो बोलूंगा नहीं, मैं बोला हूं पहले भी, लेकिन मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है देने के लिए। इसी स्वामी जी ने जब कहा गिव मी अ फ्यू मैन, शब्द सुनो, गिव मी अ फ्यू मैन विद द मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील एंड आई विल चेंज द फेस ऑफ मदर इंडिया। भारत माता से मांगा था मुझे ऐसे 9-10 जवान दे दो जिसके बाजू मजबूत है स्टील जैसे, आयरन जैसे, लेकिन वो चारित्र्यवान होने चाहिए। शब्द क्या है, दे मस्ट बी द मैन ऑफ कैरेक्टर। ये 1893 की बात है। 1897 में इसी विवेकानंद ने, तुम्हारा एक भाई, ध्यान में रखो अपना नाता है भाई का, विवेकानंद ने कहा है कि आफ्टर 100 ईयर्स फ्रॉम नाउ माई मदर इंडिया, सुनो जरा, 1897 एट 100, इट कम्स टू ऑलमोस्ट 21st century। उन्होंने कहा कि माई मदर इंडिया विल एमर्ज एज अ नॉलेज कॉरिडोर ऑफ द होल वर्ल्ड।
and will show the pathway of harmony and peace to mankind. सारी दुनिया को शांति का, सुख का, आमन का रास्ता दिखाने का दायित्व इस भारत पे है. इसका मतलब है आप पर है. यदि आप यह समझ ले, और मैं इसलिए बोला कि अपनी माता और पिता को मेरा प्रणाम बोल देना. अपनी माता के पास बैठो, कभी सुनो उससे कि उसकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहती है. एक ध्यान में रखना कि यह जो मैं बता रहा हूं, इसमें एक दो तीन लाइन्स में इसके आगे मैं पढ़ के दिखाने वाला हूं, विच आई नो बाई हार्ट. बट रिमेंबर फ्रेंड्स, तुम्हारी माँ और पिता को शर्म लगे ऐसी बात जीवन में मत करो. इतनी छोटी बात है जिसके लिए समाज तुम्हारे तरफ तिरस्कृत नजर से देखे, ऐसी तो बात मत करो. बाकी तो सब कुछ दिया है भगवान ने, गाड़ी है, शोहरत है, पैसा है, मर्सिडीज है, क्या क्या नहीं. लेकिन अपन भाग्यवान इतने हैं, लेकिन अपनी माँ को ऐसा लगे क्या मेरी बेटी है, क्या मेरा बेटा है, क्या नाम कमाया, अरे तेरे पिताजी का नाम तुम्हें दुनिया में कमाया, ये सुनने के लिए आनंद मिलता है. अभी सिया सुनी का वाद, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स का वाद, शैव और वैष्णव का वाद, ये सारे झगड़े दुनिया में क्यों है भाई. इसका रास्ता सिर्फ भारत दिखा सकता है दुनिया को. मुझे लगता है कि आपके खून में, हरे कण कण में ये भावना है. मैं चाहूंगा कि यू शुड बिकम द रियल एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर. मैं आपको एक पैराग्राफ बता रहा. When I became the UNESCO chairholder for culture of peace and human rights in the year 1998, this is an engineering college. Human rights or peace ka kya sawal tha? Lekin bahut badi lambi kahani hai. Mujhe ek dukh tha ki duniya mein Aristotle, Socrates, Plato, Kant, Hegel, Spinoza, aisi badi lambi list hai ek, jinhe philosopher bola jata hai. The whole world recognizes them as the greatest philosophers of the world. मुझे आश्चर्य लगा कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय नाम कैसा नहीं. ये क्या बात है, इतना बड़ा देश, इतने बड़े संत महात्मा हुए, गुरु नानक से लेके हमारे स्वामी विवेकानंद से लेके ज्ञानेश्वर से लेके, लेकिन इसको किसी ने फिलोसॉफर नहीं कहा. एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू फ्रेंड्स, I was quite crazy. I had the fortune of organizing the first World Philosophers Meet. Listen to me, World Philosophers Meet, called as a Parliament of Science, Religion and Philosophy. 7 din ke liye parishad bani, vigyan aur adhyatma ka samanvay leke bani. On the 7th day, let me tell you friends, it was Maulana Wahiduddin Khan, a great Islamic scholar, who finally resolved and said that the great saint of India, Sant Jnaneshwara, was one of the greatest philosophers of the whole world. ये उनकी भाषा है. जब मैं ज्ञानेश्वर जी का नाम ले रहा हूँ तो यू मस्ट स्पीक अबाउट कनकदास, पुरंदरदास, नरसिंह मेहता, तुकाराम, नामदेव, यू टेक ऑल द नेम्स एंड सी देयर वर्ड्स ऑफ विजडम. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कोई यहाँ हमारे स्पीकर बोल गए, सारे धर्म ग्रंथ का, मेरे रूम में तो कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, सब, मुझे तो फर्क नजर नहीं आता. पता नहीं, बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलबींग इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड अल्टीमेट ट्रुथ. जो ज्ञानेश्वर ने कहा, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. ध्यान में रखो भाई, ज्ञानेश्वरी गीता का एक कॉमेंट्री है, लेकिन इस किताब में एक भी शब्द धार्मिक नहीं है, और हिंदू वाचक तो बिल्कुल नहीं है. पढ़ो तो सही, इंजीनियरिंग पढ़ो, डॉक्टर हो जाओ, कुछ हो जाओ, लेकिन ये भी देखो, जिसे गीता को किसी ने, स्वामी जी ने कहा पहले मेरे ख्याल से, ये धर्म ग्रंथ नहीं. ध्यान में रखो, फिर से बता रहा हूं, आई एम टेलिंग दिस विथ वेरी असर्टिव वर्ड्स. गीता ये धर्म ग्रंथ नहीं हिंदू का सिर्फ, लेकिन ये जीवन ग्रंथ है दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए. आप, मेरी गुजारिश है फिर से आप सारे यंग लोगों को, और मेरे बुजुर्ग भाई बैठे यहाँ, एक बार पढ़ के देखो,
और बाद में समझ लो कि अपना दायित्व क्या है। और इसलिए ये सब प्रयास है लीडर्स बनने का। लीडर तो देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ, देहात से आया, लेकिन इतनी बड़ा संस्था बन गई, इसका मैं छोटा मोटा लीडर बन गया। देर आर वेरियस एरियाज एंड द फील्ड्स वेयर यू कैन वर्क एंड यू कैन स्टैंड एंड बिकम समवन हु कैन डिक्टेट एंड हु कैन शो द पाथवे टू अदर पीपल। तो ये भारत के निर्माण की बात है, भारतीय अस्मिता जगाने की बात है। तो मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के दिखा रहा हूँ, चार लाइन का। ये जर्मन एथनोलॉजिस्ट फिलोसोफर मैक्स बूलर क्या बोलता है, देखो तुम्हारे भारत के बारे में। फ्रेंड्स, इफ आई वेयर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडाउड विथ ऑल द वेल्थ पावर एंड ब्यूटी that the nature can bestow in some parts of the very paradise on this earth, I should point out to India. मैं नहीं बोल रहा हूं, सुनो, एक जर्मन फिलोसोफर बोल रहा है। एंड इफ आई वेर आस्ट अंडर व्हाट स्काई द ह्यूमन माइंड हैज मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड सम ऑफ द चॉइसेस गिफ्ट्स has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should again point out to India, Mother India. And if I were to ask myself from what literature we here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact, more truly human. A life not for this life alone, but a transfigured and eternal life, again I should point out to Mother India. ये देखो दुनिया इसकी तरफ किस नज़र से देखती है, इसका एक उदाहरण है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, इसमें से जो भी अच्छा लगे आप समझने की कोशिश करो। और मैकॉले की बात मैंने पहले लेक्चर में कही थी, आई हैव अ स्मॉल नोट ऑन दिस, प्लीज़ रीड। आई हैव आस्क्ड माई असिस्टेंट टू गिव that whole gist of what I have read here. You should carry that paper again and again. And ye jo Macaulay tha, Lord Macaulay, jo address karta hai British Parliament ko on 2nd February 1835. Bharat ko dekhne ke baad jo duniya ko bolta hai and say that let these foolish Indians, kya bolta hai? Apne ko, hamare desh mein aakar, let the foolish Indians forget their own traditions and culture. And follow and adopt only the Western culture or the English culture. क्या भावना है, देखो कितना धूर्त होगा वो, कितना होशियार होगा। अपने को समझने की कोशिश करो इसके बारे में कि we are to really project and promote what this Mother India stands for. Thank you, friends. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वनाथ डी करार जी।